मुंब्रा शहर में आज नाना साहब धर्मा अधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम मुंब्रा फायर ब्रिगेड के पास रखा गया था, जिसमें कलवा मुंब्रा की विधायक जितेंद्र अभाट, राजन कीने, मोरेश्वर कीने, शंकर मंदिर ट्रस्ट के हीरालाल गुप्ता और अन्य समाज सेवक इस मंच पर मौजूद रहे। वहीं इस मंच पर मौजूद सभी लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान सत्कार भी किया गया। दरअसल 1 मार्च को नाना साहब धर्मा अधिकारी जी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता अभियान के तहत मुंब्रा शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ किया गया और लोगों से भी शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। इस मौके पर राजन कीने ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आदरणीय डॉक्टर नाना साहब धर्माधिकारी के जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो प्रति नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य है उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुंब्रा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था उसमें मैं समझता हूँ कि मुंब्रा में बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है उम्मीद एनजीओ से उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय चित्तरूप अप्पा साहब धर्माधिकारी पद्मश्री अप्पा साहब धर्माधिकारी डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजित किया गया और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान न लेते हुए वृक्ष लागवड़ वृक्ष संवर्धन जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का ये सब काम महा आरोग्य शिविर रक्तदान शिविर फिर जैसे कि हमारे कुएँ का साफ सफाई तालाब का पुनर्भरण तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्य निष्काम भजने भगवंत को जोड़े इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सिंह टाइगर युवा दातिबली कलवा खारेगाँव इटावा फिर हमारे काटाई फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे और हमारे एनजीओ के कम से कम साढ़े चार सौ लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे एनजीओ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुंब्रा के जो सामाजिक कार्यकर्ते थे जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी फिर हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के प्रवेश सर आज यहाँ पर पूरे जो मुंब्रा के एक मैसेज उन्होंने मुंब्रा में दिया है कि आज स्वच्छता अभियान न होते हुए एक का अपने देश की जरूरत है और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए और सभी ने इस महास्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा एक चीज़ और देखी गई थी कि मुंब्रा तो आपने बात किया था कि मुंब्रा के बाहर के भी लोग आए थे थाना से आए थे डुंगली से आए थे मुंब्रा आके साफ सफाई कर रहे थे उसके लिए कुछ लोगों से मैंने बात किया था सर से भी मैंने बात किया था कुछ लोग तो डॉक्टर्स भी थे कुछ ऐसे प्रोफेशनल थे कुछ बिल्डर्स थे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे तो ऐसे प्रोफेशन के लोग आके आज स्वच्छ यहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान का जो बैठक रहता है वो बैठक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गरीब आदमी भी आपको दिखेगा और एक अमीर आदमी भी जो अपने मांडी लगा के बैठते हैं श्रवण करने के लिए जो सुनने के लिए तो यहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसानियत का तकादा रहता है इंसानियत के नाम से ये सब पूरा काम किया जाता है यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष यही माना जाता है क्योंकि आपके
अंदर है वही मेरे अंदर है, वो है तो तुम्हारा हमारा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि आज पूरे समझो हमारे शाहपुर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो बैठक में बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे अधिकारी है जो प्रवचन देते हैं, निरूपण करते हैं। तो ये सब ऐसे इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है, यहाँ पर इंसानियत का तकाजा रहता है, इंसानियत के लिए पूरा काम किया जाता है। ठीक।